आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जिसको देखते ही बस आपके मुंह में पानी आने वाला है। ये इतनी चटपटी, तीखी, मीठी, खट्टी और मसालेदार है कि आप देखते ही इसको बनाने की सोचेंगे। इसका नाम है छोले समोसे चाट। छोले समोसे का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इसकी टेस्टी डिश है। और हम यहाँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल कुरकुरे और खस्ता बिल्कुल समोसे बनाने वाले हैं। और यहाँ मसालेदार छोले जो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो सभी का फेवरेट होता है और ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म समोसे मिल जाए तो क्या कहना। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। छोले समोसे चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। आप आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल समोसे बनाने वाली हूँ तो मैंने मैदा लिया है। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन ली है जिसको हथेली से क्रश करके डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। आधी छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 4 बड़े चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। याद रखना, आप अगर आपको खस्ता और कुरकुरे समोसे बनाने हैं तो उसमें घी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही खस्ता एकदम कुरकुरे हमारे समोसे बनकर तैयार होंगे। अच्छे से हम हाथों से मसल लेंगे और मुट्ठी में इसको होल्ड करके देखेंगे। अगर होल्ड हो रहा है आटा तो ये बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। याद रखना, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा लगाना है, ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है, हल्का सा हमें सख्त इसका आटा तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा लगा लेंगे और हथेली पर हल्का सा घी लगाकर इसे हम अच्छे से मसल मसल कर 1 से 2 मिनट चिकना कर लेंगे। और फिर इसे 15 से 20 मिनट के लिए एक कपड़े से ढककर हम रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, यानी कि इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल लिया है, आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच ही मैंने खड़ा धनिया लिया है, यानी कि धनिया के बीज, उसको हथेली से क्रश करके हमें डालना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई अदरक ली है, वो डाल लेते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 चम्मच ही मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, ये लगभग 2 से 3 मिर्च हैं, तो वो भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ हरे मटर लिए हैं। अगर आप हरे मटर जो ताज़े वाले ले रहे हैं तो आप इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिए हैं तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 मैंने यहाँ काजू लिए हैं और 7 से 8 ही मैंने यहाँ किशमिश ली है, इसे बारीक कट कर लिया है। इससे हमारे समोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसे। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, आप चाहें तो यहाँ नींबू का रस भी ले सकते हैं और चाट मसाला भी ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, वो डाल लेते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है करीब करीब 3 चम्मच, तो वो डाल लेते हैं, अच्छे से मिला देंगे। अब मैंने 4 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मोटा मोटा मैंने तोड़ लिया है। आपको इसे बिल्कुल मैश नहीं करना है या फिर ग्रेट भी नहीं करना है, हल्का हल्का इसे तोड़ लेना है। जब हम समोसे खाते हैं तो उसमें हल्की हल्की जब आलू की बाइट आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो हमें अच्छे से इसका मसाला तैयार करना है। आप चाहें तो आमचूर की जगह, आमचूर पाउडर की जगह आप थोड़ा सा नींबू का रस ले सकते हैं खट्टापन लाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा वो।
अब मैंने यहाँ एक छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है, ये भी डाल लेते हैं, अच्छे से मिला देंगे और इसे अब गैस बंद करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से मसल लेंगे। अब इसमें से हम जितने बड़े या छोटे हमें समोसे चाहिए उसी के हिसाब से हम टुकड़े तोड़कर तैयार कर लेंगे, यानी कि लोइयां बना लेंगे हम। और लोइयों को हमें अच्छे से बिल्कुल मसल मसल के चिकना कर लेना है। देखिए मैंने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं, अब हम इन्हें बेल लेते हैं। हमें इन्हें बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है, जैसे रोटियां बनाते हैं हम बिल्कुल ऐसे बेलेंगे। रोटियां हम बनाते हैं तो गोल बनाते हैं, लेकिन समोसे बनाने के लिए हमें लंबी वाली रोटियां बनाकर तैयार करनी होती हैं। देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लग कर तैयार हुआ है, तो ये हम चेक कैसे करेंगे? जब हम बेल रहे हैं तो किनारे से उठ रही हैं, इसका मतलब ये अच्छे से तैयार हुआ है। देखिए इतनी पतली हम रोटियां बना लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटियां बनाती हैं सिंपल, ऐसे ही हम रोटियां बना लेंगे, पर ये हल्की सी लंबी होनी चाहिए। अब हम इसे बीच में से कट करके 2 भागों में से अच्छे से डिवाइड कर लेंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल इतनी पतली हम रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे समोसे के लिए। चलिए और बेल लेते हैं। इसके लिए हमें बिल्कुल लंबी वाली रोटियां बनानी होती हैं, और जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल इतनी पतली हमें चाहिए। इसे बीच से कट कर लेंगे और सारी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सारी यहाँ समोसे की ऊपर की परत बोल सकते हैं आप, रोटी बोल सकते हैं, तो ये बनाकर मैंने अच्छे से तैयार कर ली हैं। अब मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, इसमें हमें ठंडा मसाला ही यूज़ करना है। गर्म हम डालेंगे तो समोसे फटने का चांस रहेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। हल्का सा हम पानी लगाएंगे किनारों पे, दोनों तरफ ऐसे ऐसे पानी लगा देंगे और इसको दूसरी तरफ ऐसे मोड़ते हुए हम एक के ऊपर एक ऐसे रख लेंगे, और ये कॉर्नर है जो अंदर की तरफ दबाते हुए इसको अच्छे से हम सील कर देंगे। इसको अच्छे से दबाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब देखिए कोन टाइप में बन जाएगा, इसको अच्छे से सील कर दें, नहीं तो यहाँ जब हम फ्राई करेंगे तो ये फट सकते हैं, तो अच्छे से बंद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें हम स्टफिंग डाल लेंगे और हल्का सा दबाएंगे जिससे ये कॉर्नर है उसकी अच्छे से शेप बन जाए। तो चलिए हम मसाला इसमें ज़्यादा नहीं भरना है, बस इतना कि अच्छे से ये बंद हो जाए। तो अंगूठे से ऐसे दबाएंगे और ऊपर के जो किनारे हैं उन पर हम ऐसे पानी लगा लेंगे। अच्छे से पानी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे ये अच्छे से बंद हो जाएंगे। और पिछले से ऐसे मोड़ते हुए हम बिल्कुल सामने ऐसे इसको बंद कर देंगे। इसको बंद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से इसे बंद करना है। यहाँ पानी अच्छे से लगाना है और इसको बंद करना है। देखिए ये ऐसे खड़ा होना चाहिए, ऐसे खड़ा हो रहा है समोसा, तो समझना कि बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसकी शेप बिल्कुल अच्छी बनी है। ऐसे ही हम और भी तैयार कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है। तो चलिए और बना लेते हैं। हल्का सा पानी लगाएंगे, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाएंगे और इसे एक के ऊपर एक रख के हम ऐसे मोड़ लेंगे, और जो ये कॉर्नर है इसको अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसको बंद कर लेंगे। इसको दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे अच्छे से, 1 से 2 चम्मच हम इसमें मसाला डालेंगे और अच्छे से इसको दबाएंगे, और ऊपर के जो किनारे हैं उन पर पानी लगा के पिछली साइड से हम इसको हल्का सा मोड़ देंगे ऐसे बिल्कुल। इसको अच्छे से मोड़ना ज़रूरी है और सामने वाले की तरफ ऐसे हम मिला देंगे और अच्छे से इसको बंद कर देंगे। बस ऐसे ही हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। देखिए सारे समोसे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ ज़रूरी टिप्स है कि इनको फ्राई करने से पहले हम 10 से 15 मिनट इनको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब तेल गरम कर लिया है मैंने, तेल गरम करने के बाद चेक करेंगे कि गरम है कि नहीं है,
तो हल्का सा डो मैंने डाल के देख लिया, हल्के हल्के इसमें बबल्स बन रहे हैं, यानी कि ये तेल हमारा अच्छे से गर्म है। हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म तेल करेंगे तो बाहर से समोसे पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। हमें इसको लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है। तो जितने समोसे आराम से कढ़ाई में आ जाएं उतने आप इसमें डाल लीजिए और अच्छे से इन्हें फ्राई होने दीजिए। पहले हमें 5 से 7 मिनट इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये जैसे जैसे फ्राई होंगे अपने आप ऊपर तैर के आ जाएंगे और फिर हम इनको अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गई हैं और अपने आप देख रहे हैं ये ऊपर तैर के आ गए हैं। इनको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब ये ऊपर आ जाएँ तब हम इन्हें कलछी से ऐसे चलाते हुए दोनों तरफ हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक बार समोसे फ्राई होने में करीब करीब 18 से 20 मिनट लग जाती हैं। हम मीडियम टू लो फ्लेम पर, ज़्यादातर मतलब लो ही रखना है हमें गैस की फ्लेम को, तो हमारे समोसे बिल्कुल खस्ता और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो इन्हें अलग पलट लेते हैं। देखिए इनका कलर पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है, हल्का हल्का गोल्डन कलर इसमें आने लगा है। देखिए आपको पास से दिखा रही हूँ, और इसमें जो ऊपर से बबल्स बन जाते हैं, अगर हम ज़्यादा गर्म तेल में इनको डालेंगे तो ऊपर इसमें बबल्स बन जाते हैं जो बहुत ही गंदे लगते हैं, और इसे हमारे समोसे खस्ता नहीं बनते हैं। देखिए बनकर अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और आप कलर देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। चलिए सारे निकाल लेते हैं और जो समोसे बच गए हैं उन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। समोसे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं, एकदम खस्ता कुरकुरे बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ठंडी का मौसम आ गया और कुछ गर्म गर्म मिल जाए खाने को तो बस क्या कहना। ये बिल्कुल कुरकुरे बने हैं, आप इसे चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम इनकी चाट बना लेते हैं। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही कुरकुरे एकदम फटाक से ये टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। तो हम 2 से 3 समोसे यहाँ तोड़ के रख लेते हैं। अब मैंने यहाँ मसाले वाले छोले बनाए हैं। मसाले वाले छोले की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, बस वैसे ही मैंने बनाए हैं। यहाँ मैंने आज समोसे बना के दिखाए हैं, छोले नहीं बनाए हैं। छोले की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर ज़रूर की है, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब मैं मुझे थोड़े कम लग रहे हैं तो एक समोसा मैं और डाल लेती हूँ, और ऊपर से मैंने दही डाल ली है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने चीनी भी डाल ली है। और यहाँ मैंने इमली की चटनी ली है, इमली की चटनी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है पहले, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि इमली की चटनी कैसे बनाई जाती है। और यहाँ मैंने हरी चटनी ली है, धनिए की हरी चटनी, आप कलर देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम सेव डाल लेंगे, थोड़ी सी हम प्याज डाल लेंगे, या आप अपने हिसाब से सैलेड इस पर डाल सकते हैं। प्याज बारीक कटी हुई, आप गोभी भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी या बारीक कटी हुई, गाजर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। हल्का सा हरा धनिया लगा देते हैं और थोड़े से मैं फ्रेशनेस के लिए यहाँ अनार के दाने इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है और बहुत बढ़िया, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो आप ऐसे छोले समोसे चाट बना सकते हैं। आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली में, फ्रेंड में, आप सोशल साइट पे इसे शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।